ये क्वेश्चन नंबर टू है, जैसे हम लोग वन में कमीशन निकाले थे सेम प्रोसेस आपको कमीशन निकालना है, थोड़ा सा इसमें अंतर है। अंतर क्या है, तो आगरा के राम ने ग्वालियर के सुरेश को 200 इकाइयां 20 रुपया प्रति इकाई की दर से बीजक मूल्य पर जो है ना भेजा है। सुरेश ने 50 इकाइयां 20 की दर से 120 इकाइयां 25 की दर से बेची है। तो यहाँ पर देखना क्या है, ये रेट क्या है 20 है, लेकिन यहाँ पर बेचा कितना है 25 की दर से बेचा है। 50 इकाई जो है 20 की दर से, बाकी जो है ना 120 इकाई 25 की दर से बेचा है। जो 5 ओवर हो गया है ना, इसके बारे में क्वेश्चन क्या कहता है, इस समान कमीशन की दर बिक्री पर 10% है, अभिभावी मतलब ओवर कमीशन 4% की दर से दे है। ठीक है, आपको दोनों निकालना है, ओवर भी निकालना है और जनरल भी निकालना है आपको। तो सबसे पहले आप सेल्स निकाल लीजिए, सेल्स कैश कितना है, तो 50 इकाई है 20 के दर से, ये हो गया बिक्री 1000 हो गया, और ये 120 इकाई है 25 के दर से, तो ये हो गया 25 दुना 50 हासिल 5 और ये 25 5 30, ये हो गया 3000। तो कुल बिक्री कितना हो गया 4000 हो गया। आपको निकालना है जनरल कमीशन, जनरल कमीशन ये तो सिंपल है, 4000 का 10%, ये हो गया 400 हो गया। फिर आपको निकालना ओवर राइडिंग कमीशन, इसको बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। तो उधार बिक्री आपका 3000 है, माइनस इसका सही रेट क्या है 120 अगुना 20, इसका एक्चुअल रेट था, तो ये हो गया 3000 माइनस 2400, जो बच गया 600 का आपको निकालना है 4%, ये होता है 24 रुपया। तो टोटल कमीशन कितना हो गया 400 प्लस 24, 424। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।